हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हब बांसुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा छह के गणित विषय में आज हम प्रारंभ करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 जो है क्षेत्रफल से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं कि किसी भी बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी बंद आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र उस आकृति का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इसको एक हम डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए अपन आकृति ले लेते हैं, मान लीजिए एक वर्ग है या कोई आयत है। अब इस वर्ग ने ये कितनी जगह घेर रखी है? चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगा रहे थे जब, तो हम क्या ज्ञात कर रहे थे? परिमाप। अब इस वर्ग ने कितनी जगह घेर रखी है? ये वाली या अंदर वाली पूरी जगह, ये हमें अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या ज्ञात करेंगे? इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और परिमाप में किसकी बात होती है? आकृति के चारों ओर, और क्षेत्रफल में आकृति के अंदर के भाग की बात होगी। तो किसी भी आकृति द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है ये वाला, वो क्या कहलाता है? उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है। तो मान लीजिए किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसकी भुजाएं, अगर भुजाएं किसमें दी है? सेंटीमीटर में दिए हैं। किसमें दिए हैं? सेंटीमीटर में। तो उसका क्षेत्रफल किसमें आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इसे इस इकाइयों पर भी विचार करेंगे, ध्यान देंगे हमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकाई नहीं लिखते तो हमारे नंबर कट सकते हैं। तो जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ग इकाई। तो देखिए, आज हम मोस्ट पहले बात करेंगे कि कोई भी वर्गांकित पेपर है, वर्गांकित पेपर यानी ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, इस टाइप में होता है। उसमें वर्गाकार क्या बने होते हैं? खाने बने होते हैं। आपने देखा भी होगा, इस टाइप में होता है और इसमें ऐसे खाने बने होते हैं। तो ऐसे मान लीजिए वर्गाकार वर्गांकित पेपर है और उस पर कोई भी एक आकृति बनाई गई है, और उस आकृति का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहां पर सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि देखिए, एक वर्गाकार खाना होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सूत्रों से हम हल करेंगे क्वेश्चनों को, क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो हम यहाँ पर वर्गांकित पेपर में एक वर्गाकार खाने का क्षेत्रफल क्या लेते हैं? एक वर्ग इकाई लेते हैं। कितना लेते हैं? एक वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। तो एक वर्गाकार खाने का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक वर्ग इकाई। अब इस वर्गाकार वर्गांकित पेपर से हम क्षेत्रफल को हल करेंगे तो किस तरह हल करेंगे वो देखिए। मान लीजिए कोई एक आकृति ऐसी बनाई हुई है, ये आकृति बनाई हुई, मान लीजिए है, इसको अपन डार्क कर देते हैं जैसे आप पहचान जाएंगे। मान लीजिए आकृति है और इस आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस आकृति का आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आकृति का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसको ध्यान से समझें कि वर्गांकित पेपर पर जब क्षेत्रफल को ज्ञात करने की बात आती है तो उसमें हम जो आकृति है उसके द्वारा घेरे गए वर्गों को देखते हैं कि जो आकृति ने जो पेपर के अंदर जो वर्गों को घेरा हुआ है वो वर्ग पूरे हैं, आधे हैं, या आधे से ज्यादा हैं, या आधे से कम है। तो इसमें हम कुछ परिपाटी को अपनाते हैं, कुछ तरीकों को अपनाते हैं। सबसे पहले है कि आकृति द्वारा अगर आकृति ने पूरे पूरे कितने वर्ग घेरे हैं कि वर्गांकित पेपर में हम देखेंगे कि देखो जो भी आकृति है उसने पूरे कितने वर्ग घेरे हैं। तो यहां पर देखेंगे, देखो एक ये वर्ग घेरक है, पूरा पूरा है, ये के और ये। तो जो भी पूरे घेरे गए वर्ग है उनका क्षेत्रफल हम एक वर्ग इकाई लेते हैं। पूरे घेरे गए
वर्गों में एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या लेंगे? एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई लेंगे। समझ गए होंगे आप? आकृति में के अंदर देख लेंगे पूरा पूरा जो वर्ग आ रहे हैं उनका क्षेत्रफल कितना लेंगे? एक वर्ग इकाई। जैसे इसमें बात करें कि कितने वर्ग, कितने पूरे पूरे घेर गए वर्ग हैं? तीन वर्ग हैं, तो तीन वर्गों का कितना हो गया? तीन वर्ग इकाई। ये किसका हो गया? पूरे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल हो गया। सेकंड चीज, अगर आकृति में आधे से अधिक वर्ग आ रहा है, यानी आकृति ने आधे से अधिक वर्ग को क्या किया है? घेरा हुआ है, तो ऐसे वर्गों को हम क्या करते हैं? पूरा एक वर्ग मानते हैं। आधे से अधिक, आधे से अधिक किसके द्वारा घेरा गया है? आकृति द्वारा। आधे से अधिक घेरे गए वर्गों को पूरा एक वर्ग मानते हैं, पूरा एक वर्ग मानते हैं। यानी जो आधे से अधिक वर्ग घेरा गया है आकृति द्वारा, तो उसको हम ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे? पूरा एक वर्ग गिनेंगे, पूरा एक वर्ग मानेंगे, ठीक है? और पूरा एक वर्ग मान लेते हैं, तो पूरा एक वर्ग मानेंगे तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक वर्ग इकाई। तो जैसे इस आकृति में बात करें, आप देखो ध्यान से देखिए, ये वाला भाग ये देखिए, वर्ग में अगर विकर्ण हम बनाते हैं, आधा आधा बांटते हैं, तो आधे से ज्यादा जा रहा है, तो आधे से अधिक घेरा गया भाग है, तो इसको हम पूरा क्या मानेंगे? एक वर्ग इकाई। तो इसका क्षेत्रफल, और देखिए ये आधा है और ये भी आधा है, तो आधे से अधिक केवल यही है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक वर्ग इकाई। ध्यान दें, अगर आकृति ने आधे से अधिक वर्ग के भाग को घेर रखा है, तो उसको हम पूरा कितना वर्ग गिनते हैं? एक पूरा वर्ग गिनते हैं। तीसरी बात यह है कि आधे घेरे गए वर्गों को यानी आकृति द्वारा आधे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल हम आधा वर्ग इकाई लेते हैं। आधा है तो उसका क्षेत्रफल भी कितना लेंगे? आधा वर्ग इकाई लेंगे। आकृति द्वारा आधे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल हम क्या लेंगे? आधा वर्ग इकाई लेते हैं। यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना ले लेंगे? आधा वर्ग इकाई ले लेंगे, ठीक है? और आधा वर्ग इकाई लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आधे वर्ग कितना घेरा हुआ है, एक ये है और एक ये है, आधा है ये दोनों, तो इसका क्षेत्रफल कितना ले लेंगे? आधा वर्ग इकाई। तो देखिए दो है, तो दो गुणा एक का आधा हो गया, तो दो का कितना हो जाएगा? दो से दो कट जाएगा, एक वर्ग इकाई। समझ गए होंगे आप? देखो एक का आधा है और आधा इसका है, तो दो गुणा एक बटे दो कर देंगे, दो से दो कट गया तो कितना आ गया? एक वर्ग इकाई, यानी आधा आधा एक हो गया। और इसमें अब चौथा पॉइंट है कि यदि आकृति द्वारा कोई वर्ग आधे से कम भाग में है, आकृति किसी वर्ग के आधे से कम भाग को घेरे हुए है, तो ऐसे वर्गों को हम छोड़ देते हैं। क्या करेंगे? उन वर्गों को हम छोड़ देते हैं, जिन वर्गों का आधे से कम भाग, जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति द्वारा घेरा गया है, ऐसे वर्गों को छोड़ देते हैं। यानी जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति द्वारा घेरा गया है, ऐसे वर्गों को हम छोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब उनको हम क्षेत्रफल में काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पर चार पॉइंटों में क्या बात हुई कि आकृति द्वारा अगर पूरे पूरे वर्ग घेरे गए हैं, तो उनका क्षेत्रफल हम क्या लेंगे? एक वर्ग इकाई। आधे से अधिक भी अगर कोई घिरा हुआ वर्ग है,
तो उसका क्षेत्रफल भी हम क्या लेंगे, एक वर्ग इकाई, क्योंकि उसको एक पूरा वर्ग मानेंगे। आधा है तो उसको क्या लेंगे, आधा ही, और आधे से कम है तो हम उसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर आधे से कम ये वाला भाग है, देख सकते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, इसको क्षेत्रफल में शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए इस आकृति का अगर हम अनुमानित क्षेत्रफल निकालें तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस आकृति का, कौन सी आकृति की बात करें, ये भी आप देख सकते हैं, ये आकृति मैंने बनाई थी, इस आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे घेरों का तीन है, आधे से अधिक एक, और आधे का भी कितना है एक, क्योंकि दो थे, तो कुल कितना जाएगा, तीन एक चार और एक पांच वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम वर्गांक की पेपर पे कोई भी आकृति होगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या क्या करेंगे, पूरे वर्ग को पूरा गिनेंगे, आकृति द्वारा अगर आधे से ज्यादा भाग घिरा हुआ है तो उसको भी पूरा लेंगे, आधे से कम वाले को छोड़ देंगे और आधे को आधा काउंट करेंगे। तो देखिए यहां पर पहले एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले इसमें, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जांपल मान लीजिए प्रोग्राम की पेपर है, इस तरीके से प्रोग्राम की पेपर की बात कर लेते हैं, ये वर्गांकित पेपर है और इस वर्गांकित पेपर में एक आकृति हम बना देते हैं कि मान लीजिए एक आकृति ऐसे बनी है। आकृति बनाते हैं, आकृति का हम क्या करते हैं, एक आकृति हमने ऐसे बना लिया है और इसका हम क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आकृति का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, मान लीजिए ये है और इसको ये लेके ऐसे मिला देते हैं, तो इस आकृति का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। ठीक, तो इस आकृति में हम देखेंगे, देखिए आकृति आपको बना दी गई है तो पूरे घेरे गए वर्गों की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में पूरे घेरे गए वर्गों की संख्या बराबर, आप देख सकते हैं पूरे घेरे गए वर्ग कितने, देखिए एक ही नजर आ रहा होगा आपको और सब आपको आधे नजर आ रहे हैं, यही है। तो पूरे घेरे गए वर्गों की संख्या क्या है, एक, तो इसलिए पूरे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो पूरे गए वर्ग, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वर्ग इकाई, आपको बताया गया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक गुणा एक वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा, एक वर्ग इकाई। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि क्या आधे से अधिक कोई वर्ग घिरा हुआ है, तो आप यहां पर देखेंगे कि आधे से अधिक कोई नहीं घिरा हुआ है, आप क्या देखेंगे कि ये भी आधा भाग है, ये भी आधा भाग, ये भी आधा भाग और ये भी आधा भाग, तो आधे से अधिक नहीं है तो हमें लिखने भी नहीं है। तो फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आधे घेरे गए वर्गों की संख्या, तो यहां पर काउंट कर सकते हैं आधे घेरे गए वर्ग कितने हैं, एक दो तीन एंड चार, चार है, और आधे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल हम क्या लेते हैं, आधा वर्ग इकाई, तो आधे घेरे गए, इसलिए आधे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल, एक वर्ग का आधा वर्ग इकाई है तो चार का कितना हो जाएगा, चार गुणा एक बटे दो वर्ग इकाई, दो एकम दो, दो दूनी चार, और दो के एक से गुणा करोगे कितना जाएगा, दो वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए आधे से कम क्या है कोई इसमें, आप देखेंगे आधे से कम वाला कोई वर्ग नजर नहीं आ रहा है, केवल एक पूरा वर्ग नजर आ रहा था, बाकी के चार कैसे आ रहे थे, आधे घेरे गए वर्ग आ रहे थे।
तो इस तरीके से हमने पूरे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है और आधे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है। तो आता है दी गई आकृति का क्षेत्रफल, दी गई आकृति का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए एक वर्ग इकाई पूरे घेरे गए वर्गों का है और दो आधे घेरे गए, तो कुल कितना आ गया, तीन वर्ग इकाई। तो इस तरीके से वर्गांकित पेपर पर हम कोई भी आकृति होती है उसके क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 10.2। तो 10.2 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।